में ही पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही बनाए गए हैं, तो इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यदि जेई एडवांस तक का आप सोच रहे हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्ट है, बनाना जरूरी है, क्योंकि जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार अपन वो क्रॉस चेकिंग से कर लेते हैं, बट जेई एडवांस तक क्रॉस चेकिंग नहीं जमता, तो उसको एक्चुअल मेथड से ही जाना होता है। तो जब तक आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होगी तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन तो अपन शॉर्टकट से नहीं कर सकते, तो इसलिए सब्जेक्टिव अप्रोच आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। जिसका सब्जेक्टिव अप्रोच अच्छा है वो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, कई सारे रिजल्ट्स हैं जो अपन को याद रखने पड़ेंगे, वो आप याद रखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो ऐसा कहीं भी बाइफरकेट मत करिए कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो इसको छोड़ दें। हाँ, सब्जेक्टिव मतलब अपनी टेक्स्ट बुक से मत करिएगा, मतलब जो एनसीईआरटी वगैरह है, क्योंकि उसमें उसी लेवल का सम देता है सब्जेक्टिव टाइप का। सब्जेक्टिव ओके सर, क्या बोल रहे, अभी रुक जाना भाई, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव टाइप का ही रहता है, और यदि आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बुक से कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव बुक से कर रहे हैं, क्योंकि तो कॉम्पिटिशन में भी सब्जेक्टिव बुक आती है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, एम एल खन्ना का बुक है, वो तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लिखता है, और यदि आप उसका सब्जेक्टिव सॉल्व करते हो तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं उसमें, और पूरा 2 साल लगता है उस बुक को बनाने में। काफी मोटी बुक है, एक ही बुक बनाई है उन्होंने एम एल खन्ना में, ठीक है। जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन, JPNP पब्लिकेशन के नाम से बुक आती है। सर वो भी आरडी शर्मा जैसे, तो इन्हें एक ही कॉन्सेप्ट पर 100 100 क्वेश्चंस दे देते दे जैसे। हाँ, लेकिन सेम बुक है, लेकिन आरडी शर्मा यदि आप सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वो केवल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई। आरडी शर्मा में भी आरडी शर्मा दो लिखते हैं, सब्जेक्टिव बुक भी आती है और ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है। ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव के लिए बनाई है, पहले एक ही पार्ट आता था ऑब्जेक्टिव का, अब उसको 2 पार्ट में कर दिया है। ठीक है सर, तो बुक्स तो बहुत सारी हैं मार्केट में अवेलेबल, बहुत राइटर सर तो हैं। लेना कौन सा है? वही मैं बोल रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर बुक आप लेके चूज करके आपको जो सूट करती है वो बुक लीजिए, ठीक है। वैसे मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि यदि आपने जेई मेंस और एडवांस दोनों तक जाना है तो एम एल खन्ना का जो बुक है, जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है, वो दोनों अपने पास रखिए, ठीक है। आर डी शर्मा भी आप ले सकते हैं, और यदि आपको लो लेवल से ऊपर वाले लेवल तक जाना है तो फिर एक बुक आती है, आपको बताया था, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, या जिसको एररलेस भी बोलते हैं। तो वो बुक ऐसा है जिसमें बहुत इनिशियल लेवल से सम बनाए हैं और उसको फिर हायर लेवल तक पहुंचाया है, जेई एडवांस तक कवर किया, ठीक है। और उस बुक की खासियत यह है कि वो थ्योरी प्लस आपका क्वेश्चंस है, थ्योरी भी मिलेगी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो और तीसरी खासियत उसकी यह है कि चारों सब्जेक्ट में आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, तो सबके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस के लिए बहुत दे रखे हैं। और दूसरा जो क्वेश्चंस उसमें है वो टॉपिक वाइज हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे बाकी बुक्स में चैप्टर का पूरा थ्योरी बताया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा अपना मॉड्यूल डिजाइन है बिल्कुल वैसे ही शुरू कर देते हैं। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन यदि आपने करना है तो फिर वो बुक यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर कर लीजिए। सर एनसीईआरटी के बजाय अगर ये वाली बुक लिया तो चलेगा क्या? हाँ, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी आप केमिस्ट्री के लिए पूरा परफेक्ट करिए, क्योंकि केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही पूछते हैं ज्यादातर, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। फिजिक्स और मैथ्स में एनसीईआरटी से एक बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आप केमिस्ट्री का जेई मेंस का पेपर एनसीईआरटी की बुक से निकाल सकते हो, ठीक है। आप नीट में बायोलॉजी का पेपर एनसीईआरटी से निकाल सकते हो, बट फिजिक्स और मैथ्स इसके लिए एनसीईआरटी बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में डिस्कशन किया है और पूरे टॉपिक भी कवर नहीं होते वहाँ पर, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल एक एक शब्द रट डालिए, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल रट डालिए, ठीक है। और मैथ्स और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल उसका विशेष ध्यान रखें, एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि
क्योंकि बहुत से चैप्टर, बहुत से टॉपिक अंदर के, चैप्टर का नाम मिल जाएगा लेकिन टॉपिक अंदर का उड़ा दिया उन्होंने, जो कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं। तो हाँ सर, इसलिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए सही है, बट मैथ्स और फिजिक्स के लिए जो बच्चे टोटली डिपेंडेंट हैं कि हम केवल एनसीईआरटी कर लें तो हम जेईई निकाल लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको, आप आर डी शर्मा लीजिए, आप एम एल खन्ना लीजिए, बहुत बुक्स आती हैं, हरिहंत का आता है पूरा सेट, ठीक है, और दास गुप्ता की भी बुक आती है, विशाल प्रकाशन मंदिर का एक बुक है, वो भी अच्छा बुक है। ठीक है, तो बच्चे बच्चों पे डिपेंड करता है जैसा आपका मार्केट में अवेलेबिलिटी हो, लेकिन आपको लो से ऊपर जाना है तो फिर आप अपना ये यूज करिए सेल्फ स्कोरर। मैथ्स के लिए एम एल खन्ना आप पूरा पूरा लगा लीजिए, दोनों ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और जब अपनी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो लाइब्रेरी में सारी बुक्स अवेलेबल हैं, वहां से भी इशू कर सकते हैं आप। ठीक। सर 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 एक लास्ट डाउट है सर, समझते नहीं, पहले कोई बुक ले या फिर पहले मॉड्यूल सॉल्व करे? कंफ्यूजन होता है क्या सॉल्व करना पहले। देखिए, जो मॉड्यूल अभी लेटेस्ट आपके हाथों में है, मॉड्यूल जो है, जब आपके कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स हो जाएंगे तब मॉड्यूल आपको बड़ा अच्छा हेल्प करेगा, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाना शुरू करें। लेकिन अभी आपको, क्योंकि मल्टीपल कंसेप्ट बेस, अभी आप जैसे एक ही यूनिट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मॉड्यूल में क्वेश्चन जो है मल्टीपल कंसेप्ट बेस बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू कर दिए हैं, इसलिए आपको मॉड्यूल में अभी थोड़ी तकलीफ जाएगी। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करते हुए यदि आप कोई बुक साथ में रेफर करते हुए चलें तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पर्टिकुलर चैप्टर के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा लगा पाएंगे। एक तो अपने मॉड्यूल में नंबर ऑफ सम्स भी कम है और दूसरा वो अच्छे लेवल के सम्स हैं, तो उसको करने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि तो जब आगे के चैप्टर्स के साथ कनेक्शन उसका आ जाएगा, पैराबोला, इलिप्स, या फिर कैलकुलस का कोई यूटिलाइजेशन है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, या लिमिट का साथ में कुछ डाल दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री के, तब आपको बड़ी तकलीफ जाएगी, तो आप हर क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, तो फिर आपको ये लगेगा कि अरे क्या हो रहा है। तो इसलिए सजेस्ट ये करेंगे कि थोड़ा सा मॉड्यूल को साथ, हाँ, आप थ्योरी के लिए उसको रेफरेंस दे सकते हैं, थ्योरी के लिए साथ में रख सकते हैं बुक्स को, और जो क्वेश्चन आप पे आ रहे हैं, जो थ्योरी मैंने आपको बताई है, वो थ्योरी के क्वेश्चन बनाइए, यदि उसके साथ किसी अलग चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट आया है तो फिर उस क्वेश्चन को भी स्किप करिए, ठीक है ना। एनीथिंग एल्स, और कुछ पूछना चाहते हैं कि शुरू करें? कर दें शुरू। हेलो देखिए सर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि सर जो मेरे पास आरडी शर्मा है उसमें सब्जेक्टिव है पूरा, तो सर वो जो आप पढ़ा रहे हैं ना उसमें वो वाला है ही नहीं कंसेप्ट। वही मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव में, क्योंकि जो आर डी शर्मा ने लिखा है सब्जेक्टिव बुक, वो एनसीईआरटी को देखते हुए लिखा है, जितने एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं वो कवर किए आर डी शर्मा ने सब्जेक्टिव बुक में, तो इसलिए ये जो एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी प्रॉपर्टीज, ये एनसीईआरटी में मिलेगा ही नहीं आपको, ये एनसीईआरटी में नहीं डाला, कॉम्पिटिशन में आता है। अपन कितने समय से इसको पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, तो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आरडी शर्मा में भी नहीं है, लेकिन आप आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव देखोगे तो उसमें मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो आरडी शर्मा सब्जेक्टिव जो बुक है वो पूरा एनसीईआरटी को फोकस करके लिखा गया है, और एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आरडी शर्मा ने कवर किए हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव ठीक बुक ले लो आरडी शर्मा का कॉम्पिटिटिव के है लिए। सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। अवर फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड तो पूरा ही है कवर, कहीं भी लिखो अभी तो। इफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर, तो आपने बताना है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन कॉट बी प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए कितना होगा, द वैल्यू ऑफ
cot cot b plus cot c माइनस कॉट ए, ये वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है क्या ये वन होगा या फिर ये ए बी अपॉन फोर डेल्टा होगा या फिर इसका वैल्यू जीरो आता है या फिर ये ए सी अपॉन फोर डेल्टा आएगा। विच वन इज करेक्ट, ए सी बाई फोर डेल्टा? बी स्क्वायर प्लस, हाँ बोलो बेटा, कॉट बी प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए क्या वो? हाँ कॉट बी प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए, दिख नहीं रहा क्या बराबर? सर ब्लर आ रहा है, सर ब्लर आ रहा है। बाकी लोगों को कैसा दिख रहा है? हाँ चल क्लियर है, क्लियर है, ओके। अन्वेषा हेड़ाउ तुमको कैसा दिख रहा बेटा? क्लियर है, क्लियर है। देखो नेट का इशू होगा बेटा, थोड़ा बहुत हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। ऑटो फोकस है ना, तो ये कैमरा भी मेरे को पकड़ता है, कभी कभी ब्लैक कर देता है। माइक चालू है। हिमांशु, हिमांशु? हाँ सर। नहीं कुछ नहीं, मेरे को लगा हिमांशु ने आंसर करो। सब बोधे करेक्ट हैं। ऋषभ बोधे ने आंसर सही दिया, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड ऋषभ। बाकी बच्चे भी बी फास्ट, जल्दी जल्दी करें। विवेक करेक्ट है, आयुष, आयुष करेक्ट है, वेरी गुड आयुष। पर आए, हेलो सर। बोलो सर। सर ये जो कॉट बी कॉस सी है ना, तो जो कॉस उसको मैंने कॉस पर साइन में कन्वर्ट किया था। yes. तो फिर उसमें फिर सर वो कन्वर्ट करने के बाद ना मैंने फॉर्मूला लगाया था, वो कॉट कॉट ए का ना, जैसे साइन और कॉस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक सेकेंड ना, कॉट ए का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर डेल्टा। ओके हाँ, तो फिर वो तीनों में लगा दिया तो फिर फोर डेल्टा इससे कॉमन था और ऊपर। वेरी गुड, चलिए डन, थैंक यू। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व दिस, आप ये जानते हो सॉल्यूशन में, ये जो कॉट बी है, कॉट बी कैन बी रिटन कॉस बी अपॉन साइन बी, और कॉस बी का आप फॉर्मूला जानते हो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, और ये साइन बी एस सच है। और अपन जानते हैं एरिया का जो फॉर्मूला है उससे ए सी साइन बी को टू डेल्टा लिख सकते हैं, ये जो ए सी साइन बी है ये टू डेल्टा होता है, तो इसलिए दिस कैन बी रिटेन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय फोर डेल्टा। सो सिमिलरली बाय दिस रिजल्ट देयर फोर कॉट बी प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए, यदि अपन ये तीनों में वैल्यू डालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, तो कॉट बी का वैल्यू आपने अभी निकाला है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फोर डेल्टा, प्लस कॉट सी जब आप डालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन फोर डेल्टा,
और cot a जब आप डालेंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, तो 4 डेल्टा LCM आ जाता है। और न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये पूरा सिंपलीफाई कर लो न्यूमरेटर को, इतना बनता है और डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा है। अब ये दोनों तो आपको बराबर दे रखे हैं इसलिए जीरो आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 0, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नोट डाउन करिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछ लें। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट आप ये याद रखिए बस cot b को वी कैन राइट c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, cot b इतना लिखा जा सकता है। तो नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई सभी को, बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट किया। और जैसे ही जीरो आता है तो एक माइंड में क्लिक होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली जीरो ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी इफ कॉस ए बाई टू इज रूट ओवर b प्लस सी अपॉन टू सी, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा? दूसरा ऑप्शन है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा। दी थर्ड ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा, या b माइनस सी बराबर सी माइनस ए होगा। फोर्थ ऑप्शन है और b माइनस सी इक्वल्स टू सी माइनस ए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो इन ट्राइंगल ए बी सी इफ cos a बाई टू इज स्क्वायर रूट ओवर बी प्लस सी अपॉन टू सी, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी यू हैव टू चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा सही जवाब है। ओके ऋषभ, ऋषभ बोले करेक्ट, वेरी गुड ऋषभ, क्या बात है, आज कुछ झमाझम आंसर आ रहे हैं एकदम। ऐसे ही रखिए प्रैक्टिस अपनी, बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्टेड है इतना ही फास्ट आंसर करेंगे। प्रणव चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये। मयूर, मयूर चेक करिए। अथर्व चेक करो बेटा, क्या बात है, एक ही करेक्ट हुआ बाकी सब रॉन्ग होने लगे। अथर्व चेक करो बेटा, अश्लेषा तो यार वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दी करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है वो सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो सी स्क्वायर आता है। और क्वेश्चन आपने ऐसे अप्रोच करना था कि When we squaring both sides, जब भी अपन दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, सॉल्यूशन का पहला स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड,
कॉस ए बाई टू का स्क्वायर आएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और राइट हैंड साइड में बी प्लस सी अपॉन टू सी आएगा, ये टू मैंने यहाँ पे लिख दिया. नाउ टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू कैन बी रिटर्न वन प्लस कॉस ए, तो वन प्लस कॉस ए आता है बी प्लस सी अपॉन सी, और ये वन को आप ट्रांसफर कर दीजिए, और कॉस ए का फॉर्मूला अपन ने डाल दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, और ये वन को ट्रांसफर करेंगे तो बी प्लस सी माइनस सी, मतलब बी बाई सी बन जाएगा ये, और खत्म, अपना सी कैंसिल हो जाता है, टू बी स्क्वायर हो जाएगा एंड वी गेट अवर आंसर. तो इजी क्वेश्चन था, पांचक सवाल जिसको बोलते हैं अपन. तो अवर आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. तो सबसे पहले ऋषभ बोले आंसर की, ऐसे ही अप्रोच किया कुछ और किया ऋषभ बोले? नहीं सर, ऐसे ही किया. ओके, किसी बच्चे को इस सॉल्यूशन में डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लें. तो करेक्ट आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर. और इससे एक बात शो होता है कि जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल डेट एंगल सी, सी पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है. तो नोट डाउन कर लें इसको. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. सही जवाब तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए. इन ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन ट्राइंगल एबीसी वन माइनस टैन ए बाई टू इंटू टैन बी बाई टू का वैल्यू कितना होगा? वन माइनस टैन ए बाई टू इंटू टैन बी बाई टू, क्या ये 2c अपॉन a प्लस बी प्लस सी आता है? फर्स्ट ऑप्शन 2c अपॉन a प्लस बी प्लस सी, और इट इज a अपॉन a प्लस बी प्लस सी. द नेक्स्ट ऑप्शन इज 2 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, या इट इज 4a अपॉन a प्लस बी प्लस सी. Which one is correct? Triangle ABC में 1 minus tan A by 2 into tan B by 2. The value of 1 minus tan A by 2 into tan B by 2. ये अभी आंसर किए क्या ऋषभ बोधे और मयूर? हाँ सर. नहीं सर, इसका है. मयूर तुमने नहीं किया ना? ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट. सही है सर. सर ये इस क्वेश्चन का आंसर है. ओके ओके ओके, वेरी गुड. सबसे पहले मयूर का आंसर है, मयूर करेक्ट है, उसके बाद ऋषभ करेक्ट है, उसके बाद दीपशिखा करेक्ट है. ऐसा क्विक रिस्पांस चाहिए आप लोगों से, इतना जल्दी आंसर करोगे तो हमको भी बड़ा मजा आएगा. संस्कृत लिंगले बेटा चेक करो, रॉन्ग वन. मानसी करेक्ट है.
कि प्रणव करेक्ट है, हिमांशु करेक्ट है। सर आप बोलो बेटा। सर ये एमएन थ्योरम क्या है? एमएन थ्योरम क्या है, थ्योरम पढ़ के बताओ। सर नहीं पता, नाम सुना है। नाम तो पहले उसका स्टेटमेंट तो देखो, कहीं अपन ने पढ़ा तो नहीं है भाई। उन्होंने एम और एन नाम दिया, अपन ने कोई और लेके पढ़ा हो, है ना? तो एक बार उसको कर लो स्टेटमेंट, मेरे को साइन कर देना, देख लूंगा मैं क्या है। जरूरी होगा तो बताएंगे आपको, नहीं पढ़ा होगा तो अदरवाइज छोड़ेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या लिया है, एम एन को एम एन लिया है, एम एन है क्या। वो अपने सिलेबस में तो ऐसा कुछ भी नहीं, या अपन ने इनडायरेक्टली पढ़ा हो, वो नाम से नहीं पढ़ा हो, तो वो भी हो सकता है कि। सर वो मॉड्यूल में दिया था इसलिए। हाँ तो बता देना मेरे को क्या है, देख लेते हैं, स्टेटमेंट बताना, क्योंकि हो सकता है अपन ने नाम नहीं लिया हो, पढ़ लिया उसको। प्रणव करेक्ट है, हिमांशु करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट है। ठीक है मानसी? यस सर। ओके okay, moving on to solution, how to solve this question. To solve this, the correct answer is 2c upon a plus b plus c. Pehla hi option correct aata hai. Actually, jo niche a plus b plus c likha hai, this is the perimeter of the triangle 2s. So this becomes 2c by 2s, matlab c by s aata hai wo result. So solution mein, 1 minus tan a by 2 can be written delta upon s s minus a. And the value of tan b by 2 is delta upon s s minus b. So delta square banega numerator mein, which can be written by Hill's formula s s minus a s minus b s minus c. And denominator becomes s square s minus a s minus b. Now s minus b, ek s cancel ho jayega. Or after taking the LCM, here we get s minus c, which is plus c divided by s. Now when we multiply numerator and denominator by 2, so we get our result. This is 2c upon a plus b plus c, perimeter of the triangle. Note down kar lijiye. So only we have to apply the result, tan a by 2, tan b by 2 ka jo formula apan ne padha tha, half angle formula, usko delta se associate kiya tha. So keval ye formula utilize karna and we get the result. ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को previous formula सारे learn है, ठीक है, और आपने formula booklet भी बनाया होगा, जिनको याद नहीं है उसका भी utilization कर रहे होंगे। कौन है आप में से जिसको सारे formula learn है? अभी पूछूं तो बन जाएंगे सारे, है इतना कोई confident? एक, बाकी लोग कहाँ गए? एक और, दो, तीन, धीरे धीरे हो रहे हैं, चलिए, चार, पांच, चलिए पांच बच्चे हैं, वेरी गुड। और बाकियों से भी एक्सपेक्टेड है कि याद रखें फॉर्मूले, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप जब तक फॉर्मूला देखोगे जब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी, टाइम कम मिलता ना, फॉर्मूले लर्न होंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके प्रणव, प्रणव लाइन पर आए जरा। प्रणव आवाज आ रहा है? यस सर। बता दोगे सारे फॉर्मूले, पूछो कुछ भी। हेलो। हाँ सर पूछ लो। तुम्हारे पूछ लो में इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है प्रणव, पूछ लो में कॉन्फिडेंस तो दिखना चाहिए। देखो मेरी आधी बात तो वहीं पे खत्म हो जाएगी जब अपना कॉन्फिडेंस तुम दिखाओगे कि हाँ सर बताओ, कुछ पूछो। अच्छा पूछ लो। तुमने जो बोला ना सर पूछ लो, देखते हैं आएगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो पहले तो बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट रहोगे तो आ जाएगा। ठीक है, मैं वैसे पूछने नहीं जा रहा हूँ, तुम बस फॉर्मूले याद रखो। यस हाँ, वो तो बाकी मैं ये देख रहा था कि सब खेल कॉन्फिडेंस का है, बच्चे इसी में गड़बड़ा जाते हैं ना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन आपको दिया है, ट्राइंगल है एबीसी और उसमें आपको गिवन है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का वैल्यू, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये वैल्यू आपको गिवन है 3/2। तो आपने बताना है ये कि ट्राइंगल आपका कौन सा ट्राइंगल होगा। देन ट्राइंगल इज आइसोसेलस, इक्विलैटरल, राइट एंगल या फिर नन ऑफ दिस। दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल और राइट एंगल्ड ट्राइंगल, या फिर ऐसा होता ही नहीं कुछ भी, इसके लिए वगैरह ऐसा कुछ बनेगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या बात है, ऋषभ बोले करेक्ट। मानसी, मानसी करेक्ट, सॉरी मानसी ने दिया ही नहीं है एक मिनट, तो मयूर है, सॉरी मयूर करेक्ट। प्रणव क्या लिखा है ये हिमांशु चेक करो, प्रणव स्पेलिंग कंप्लीट करो, आई होप तुमने वही लिखा होगा जो मैं समझ रहा हूँ। तो करेक्ट है प्रणव भी, ये आई से सेलस है, क्या हो गया। ओके प्रणव, प्रणव करेक्ट है, संस्कृति इंग्ले करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड संस्कृति। और मौका दिया जा रहा है मयूर को, मयूर एक्सप्लेन करेंगे। मयूर बताइए आपने क्या किया। सर मैंने डायरेक्ट cos a cos b cos c की वैल्यू पुट कर दी और क्रॉस चेकिंग से ऑप्शन फाइंड कर दिया। ओके cos a cos b cos c का कोसाइन वाला फॉर्मूला यूज किया, उससे क्या आता है? नहीं डायरेक्ट 60 60 60 वैल्यू ले ली। ओके ओके हाफ 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 प्लस। ओके ओके वेरी गुड, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषभ बोले एक्सप्लेन करिए। मैंने भी ऐसे ही किया, इक्विलैटरल ट्राइंगल लेके क्रॉस चेक मारा। हाँ ओके चलिए, और किस बच्चे का सही था देखते हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने कैसे अप्रोच किया। मयूर और हिमांशु के बाद प्रणव बताएंगे। प्रणव यस सर, बेटा तुम्हारा प्रणव बताओ। सर वही 60 60 60 डाला। ओके चलिए हिमांशु आप बताओ बेटा, हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। सर मेरा तो सही आया ही नहीं। हिमांशु कौन है? अच्छा सॉरी हिमांशु का, हाँ ठीक है हिमांशु। प्रणव के बाद संस्कृति का है, संस्कृति इंग्लिश बताएंगे। संस्कृति कैन यू एक्सप्लेन? संस्कृति बेटा आपका वॉइस नहीं आ रहा मेरे को। चलिए संस्कृति से आगे बढ़ते हैं, अश्लेषा बताएंगी। अश्लेषा हेड़ाऊ सर, मैंने कोसाइन का फॉर्मूला कॉस रूल लगाए, कोसाइन रूल लगाए तीनों। यस सर। ओके चलिए, एक्चुअल मेथड से कोई बता सकता है? एक तो क्रॉस चेकिंग का अप्रोच हो गया, सही है बिल्कुल। हाँ एक मिनट, सबसे पहले तो सॉल्यूशन का मयूर माइक म्यूट कर, तेरा बहुत आज डिस्टर्ब हो रहा है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यदि तीनों को आप 60 60 60 डिग्री ले लेते हो तो cos a cos 60 1/2 बनता है, तो ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा और ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, सही जवाब है। बट भाई मेथड यदि जाना है तो सर वो c और d का फॉर्मूला, cd फॉर्मूला से वो ये cos a cos b cos c को जैसे कंडीशनल आइडेंटिटीज की थी ना अपन ने,
उस तरह से फिर हो सकता है जो आंसर आएगा उसमें हो सकता है कुछ sin into sin c 3 आ जाए ऐसा कुछ 3 सॉरी मतलब जिससे इक्विलेटरल एंगल पता चले वैसा कुछ हो सकता है ओके सर b स्क्वायर वाला भी हो सकता है क्या b स्क्वायर + c स्क्वायर - a स्क्वायर हां उससे लगाओ उससे क्या आता है वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि उससे बनता क्या है एक्चुअली सर रुको फिर बना के देखता हूं हां थोड़ा सा लेंथी जाएगा मेरे को लग रहा है वो एक्चुअली आपने एक ये रिजल्ट दो तीन रिजल्ट का ये कॉम्बिनेशन था एक्चुअली मैं क्वेश्चन पूछने का रीजन ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने क्रॉस चेकिंग से मार दिया इस क्वेश्चन को और आई वाज एक्सपेक्टिंग ही आप जो है वो मेथड से जाओगे बट मेरे को नहीं पता था कि आप जो है क्रॉस चेकिंग भी कर लेते हो तो बड़ा तुरंत आपने आंसर दिया वेरी गुड ठीक है ओके ये संस्कृति माइक खराब है मैंने सारे एंगल्स ओके ठीक है संस्कृति ने भी वैसा ही किया है चल कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ओके कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आपकी लगा हाँ अप्रोचेस बहुत सारी हैं बाकी एक रिजल्ट आपने शायद पहले कभी देखा होगा कि ये अपन ने पढ़ा था कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का एक मैंने रिजल्ट आपको लिखाया था जब आप इन रेडियस और सर्कम रेडियस पढ़ रहे थे तो ये जो रिजल्ट है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इन रेडियस और सर्कम रेडियस के टर्म्स में लिखा है कोई बता सकता है कितना है वो रिजल्ट 1 प्लस स्मॉलर अपॉन कैपिटल आर वेरी गुड हां तो दिस इज 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होता है दिस इज आल्सो द रिलेशन बिटवीन इन स्मॉल रेडियस सॉरी इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस दिस इज 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर और आपने एक रिजल्ट और पढ़ा है कि यदि ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल रहता है ठीक है तीसरी बात यह है कि इन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन इक्विलैटरल ट्राइंगल स्मॉल आर सॉरी का डबल मतलब टू आर जो होता है वो कैपिटल आर के बराबर होता है ये आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा तो अब यदि आप इसको इन दोनों रिजल्ट्स को यदि अप्रोच करके समझें तो जो सॉल्यूशन का ये तो अपन नोट में ये जानते हैं और ये सॉल्यूशन का फर्स्ट मेथड है और ये मैंने आपको नोट में दो बातें बताई इनको आपने याद रखना है अब यदि अपन सॉल्यूशन की बात करें सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन सो सर सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ रहा सी माइनस ए स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो उससे तो फिर सी बराबर ए हो जाएगा मतलब आई से सी लेस बन रहा है सर नहीं क्या हाँ बोलो सर कंडीशनल आइडेंटिटीज लगाई तो वो फिर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू इक्वल टू वन बाय एट आता तो साइन ए बाय टू को वन बाय टू ले सकते कंसीडर कर सकते तो ए 60 हाँ, आ जाएगा इनडायरेक्टली वहीं पहुंच रहे हैं अपन ठीक है बस तो बहुत सारे तरीके हैं अप्रोचेस देयर आर सो मेनी अप्रोचेस एक क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए बाकी ये जो क्वेश्चन अपन इस तरीके से अप्रोच करते हैं तो आप देखोगे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की जगह पर बी कैन राइट वन बाई टू तो ये थ्री बाई टू शो हो जाता है सर पर ए प्लस बी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो होता है क्यों किसने बोला हाँ ये तो कभी भी उसके लिए नहीं है ये तो बाकी दो तीनों के लिए भी है मतलब c प्लस a माइनस b भी ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि तो आपने पढ़ा है ना दिस इज ट्राइंगल इन इक्वालिटी सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ये तीनों के लिए वैलिड कर सकते क्या नहीं तो उससे वो रिलेशन बन कहां रहा है बेटा तुम्हारा तो बन रहा है a माइनस c होल स्क्वायर बराबर जीरो ना यस सर हाँ तो एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा मेरे को लग रहा है वहां पे कुछ होगा बराबर चलिए सो ये दो सॉल्यूशन है एक तो आप डाल सकते हो एंगल ए बी सी को 60-60-60 डिग्री तो भी वी गेट दी रिजल्ट और दूसरा यदि मैंने ये नोट में आपको दो रिजल्ट लिखे हैं तो यदि आप 1 प्लस आर बाई आर की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर तो ये 3 बाई 2 आ जाती है और ये 3 बाई 2 तभी आता है जब ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल होगा यदि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो हम स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की जगह 1 बाई 2 लिख सकते हैं और 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 हो जाएगा एंड वी गेट अवर रिजल्ट
तो दिस इज फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे सब्जेक्टिव अप्रोच या दूसरी अप्रोचेज आप उसमें सोचें तो काफी सारे जो चैप्टर टॉपिक्स अपन पहले पढ़ के आए हैं वो रिवाइज हो जाते हैं। इसलिए मैं इस तरीके से अप्रोच आपको करने को बोलता हूँ कि जो आपने किया क्रॉस चेकिंग वो तो करिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे को बड़ी इससे खुशी होती है कि मैंने क्वेश्चन लिख के खत्म किया और आपका आंसर आ गया, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। बट एक्सपेक्टेड आपसे ये है कि आप उसका सॉल्यूशन भी समझें, याद रखें उसको, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ओके चलिए, तो अब समय हमको इजाजत नहीं दे रहा है, दूसरे बच्चों को मेरे को अटेंड करना है, तो आज अपन यहीं पे खत्म करेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग ऑल। अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकलें, बाय सर, पढ़ाई करते रहें, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा बनाए। बाय बाय, वेरी गुड, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय सर। अच्छा ये